नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आईपनी फंडामेंटल में। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27, कैट इज इक्वल टू हमें ढूंढना है। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट साइड में अल्फाबेट दिए हुए हैं सब नंबर के साथ। तो ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील में यानी कि शॉर्ट में देखा है, तो उसका आज हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऐसा कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्फाबेट आते तो है, लेकिन लिखे हुए होते हैं तो आसानी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, तो अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 26। तो फर्स्ट लाइन में हमने लिखे है 13, दूसरी लाइन में लिखे है 13, हो गया 26। तो देखो, सबसे पहले ए, तो ए का हमें पता है कि ए का नंबर क्या है, फर्स्ट। तो ए का हमें पता है कि ए का नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, मतलब कि ए यानी कि फर्स्ट है, 26 यानी कि लास्ट जेड है। तो ए का हमें ऑपोजिट लिखना है, तो ए का ऑपोजिट होता है जेड। तो जेड का फर्स्ट से हम राइट साइड से जैसे नंबर लिखते हैं जाते हैं तो क्या होता है, 26 होते हैं। तो ए इज इक्वल टू 26 लिखा। उसी तरह ये सन लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं एस यू एन, सबसे पहले एस का नंबर। तो एस का नंबर फर्स्ट से जाते हैं, तो देखो यहाँ पे है यानी कि 19 है। तो हमें क्या करना है, उसका ऑपोजिट ढूंढने के लिए लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करना है एबीसीडी में, जेड से। जेड से हम जाते हैं 19 तक, तो यहाँ पे देखो 14 है, फिर 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 यहाँ पे नीचे वाली लाइन में। तो ये 19 में कौन सा नंबर आया, एच। तो एच का नंबर राइट से कैसा होता है, देखो 6 7 8 8 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 8। फिर यू लिखा हुआ है, तो यू का हमें पहले नंबर ढूंढना है। देखो कहाँ पे है यू, यहाँ पे है, तो होता है 21। तो हमें जेड, उसका ऑपोजिट ढूंढने के लिए जेड से शुरू करना है, यानी कि लास्ट से शुरू करना है और 21 नंबर तक जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 13 होते हैं, फिर देखो 20 लिखा हुआ है और 21, 21 पे क्या है F। तो F का आगे से क्या नंबर होता है, फर्स्ट A से स्टार्ट करते हैं तो 5 और एक 6 होते हैं, तो यहाँ पे लिखा 6। अब N है, तो N का हम शुरू से नंबर लिखते हैं तो होता है 14। तो उसका ऑपोजिट ढूंढने के लिए क्या करना है, सबसे पहले Z से शुरू करना है। हम जाते हैं लेफ्ट साइड एबीसीडी में, Z से शुरू करके लेफ्ट साइड जाते हैं, तो 14 यहाँ तक जाते हैं, उसके नंबर पे क्या है M। तो M का हमें अल्फाबेट में नंबर देखना है एबीसीडी में, तो क्या है 13 है, यहाँ पे लिखा 13। अब इन तीन नंबर जो मिले हमें, उनका हमें करना है एडिशन। क्या होता है, सबसे पहले 8 और 6 14 होते हैं, 14 में 3 मिलाते हैं तो 17, और उसमें 10 ऐड करते हैं तो हो जाते हैं 27। इसी तरह मिल गया हमें 27। क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, उसका नंबर देख लेना है, उस नंबर का ऑपोजिट नंबर देखना है। तो ऑपोजिट नंबर के लिए क्या करना है, जेड से शुरू करना है, यानी कि लास्ट से शुरू करके फर्स्ट तक जाना है। जहां तक ऑपोजिट नंबर रुकता है, उस नंबर पे जो अल्फाबेट दिया हुआ है उसका हमें फर्स्ट से लेफ्ट से नंबर देखना है, जो आता है वो यहाँ पे लिखना हुआ आता है। अब देखो, कैट दिया हुआ है, सबसे पहले सी ए टी लिख दिया, सबसे पहले सी कौन सा नंबर पे है, 1 2 और 3 नंबर पे है, तो हमें उसका ऑपोजिट यानी कि लास्ट से स्टार्ट करना है। देखो 1 2 और 3 क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो उस एक्स का हमें नंबर शुरू से करके लिखना है, कहाँ पर आता है, देखो 23 है, फिर 24, तो यहाँ पे होता है 24। ए दिया हुआ है, ए का ऑपोजिट होता है जेड, जेड का नंबर शुरू से करते हैं तो क्या होता है 26। अब दिया हुआ है टी, टी का नंबर ढूंढना है, क्या है टी का नंबर, यहाँ पे है ये टी, शुरू से जाते हैं तो 20 होता है 20। तो 20 का ऑपोजिट ढूंढना है हमें, तो लेफ्ट यानी कि जेड से शुरू करके लेफ्ट तक जाते हैं, कहाँ तक जाना है, टी ढूंढना है, इसलिए हमें 20 तक जाना है। तो 20 यहाँ पे होते हैं जी पे, तो जी का नंबर कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो यहाँ पे लिखा 7। ये जो नंबर हमें मिल गए, उसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सबसे पहले 6 और 4 10 10 और 7, 17 का 7 एक कैरी है, 2 और 2 4 और 1 5,
क्या हुआ एडिशन 57, तो ये 57 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। देखो ये ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन देखा है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है समझने में, आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से स्पीड के साथ कर सकोगे। तो ऐसा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के शॉर्ट और रील्स के रूप में वीडियो देखने के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम पूरे आंसर के साथ कैसे सीखते हैं उसका वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर देखेंगे। धन्यवाद।